जो लोग पीछे खड़े हुए हैं मेरी गुजारिश है उनसे वो अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। और एक बार फिर से हम धन्यवाद करेंगे अपने स्पॉन्सर्स का, ईबिक्स कैश, माचो हिंद, डॉक्टर आर्थो, कैंपस शूज, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ओएलएक्स ऑटोज और केसरी मरहम। इंतजार खत्म हुआ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जेपी नड्डा जी का। वैसे तो इस देश में सियासी लफ्जों में अगर कहा जाए तो हर चुनाव आग का दरिया है और वहीं से 2024 का रास्ता निकलता है, लेकिन ये पांच राज्य इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। और इसीलिए अध्यक्ष जी माइक उठाइए और बताइए कि पांच राज्यों में चुनाव है, बीजेपी अध्यक्ष कितने तैयार हैं? देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ बीजेपी का अध्यक्ष ही तैयार नहीं होता, सारी पार्टी तैयार होती है। और हमारी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के लिए ही नहीं, हर समय हर परिस्थिति में तैयार रहती है। और सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं रहती है, सामाजिक कारणों से भी तैयार रहती है। वी आर अ पार्टी विच वर्क्स 24/7/365। हम 2400 घंटा, सातों दिन, 365 दिन काम करते हैं। और हर परिस्थितियों में पार्टी का विस्तार हो और पार्टी के कार्यकर्ताओं का विकास हो। रीज़न बीइंग कि हमारी पार्टी एक विचार प्रधान पार्टी है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है। और इसके साथ साथ ये एक समाज में, देश में परिवर्तन के लिए पार्टी है। तो सिर्फ राजनीतिक परिस्थितियों में ही काम नहीं करती है, अन्य परिस्थितियों में भी ये हमेशा काम करती है। अभी कोरोना हुआ तो सारी पार्टियां लुप्त हो गई, नो पार्टी वॉज सीन ऑन द ग्राउंड, इट वॉज ओनली भारतीय जनता पार्टी एंड आवर लैक्स ऑफ वर्कर्स वर वर्किंग। तो ये जो परिस्थिति आती है ये भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। हमने कहा जैसे हम विचार और विकास कार्यकर्ता का हो ये तो करते ही हैं, लेकिन चुनाव के दृष्टि से भी अगर हम विपक्ष में हैं तो हम ऑपोजिशन के मुद्दे क्या हो सकते हैं समय समय पर उठाते हैं। और राइट फ्रॉम द डे जिस दिन हमको ऑपोजिशन का मैंडेट मिलता है, अगर हम सरकार में हैं तो राइट फ्रॉम दैट वेरी डे हम इस मैंडेट में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हमने वायदे किए हैं। और इसके लिए हम पार्टी की तरफ से भी मॉनिटर करते हैं और सरकार की मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से भी मैनिफेस्टो के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम वर्कआउट करते हैं। तो एक जिसको कहते हैं कि लगातार सतत प्रक्रिया है जिसमें हम मॉनिटरिंग के प्रोसेस को लेकर के चलते हैं। अब आपने जैसे उत्तर प्रदेश की बात की, तो उत्तर प्रदेश में हम अब चुनाव में नहीं आ रहे हैं। जिस दिन योगी जी बिकेम द चीफ मिनिस्टर, फ्रॉम दैट वेरी डे स्मॉल और बिग इंसिडेंट्स, एवरी हरेक घटनाओं को सीरियसली लेते हुए उसमें हमको क्या करना है इसको हम करते हुए आ रहे हैं। और आज जब हम चुनाव के दहलीज पर खड़े हैं तो बाकी पार्टियां जागी हैं, हम अपनी यात्रा में बहुत आगे काम में जुटे रहे हैं। आपने विस्तार की बात की तो हमारा संगठन नीचे तक, हमारे हाफ ऑफ द एक्टिविटीज़ इज़ ओवर नाउ, नाउ इट इज़ ओनली इम्प्लीमेंटिंग एट द ग्रास रूट लेवल। तो हम तैयार हैं और हमारी पार्टी तैयार है। क्या स्ट्रैटेजी अलग क्या है, जेपी नड्डा जी के आने से बीजेपी की स्ट्रैटेजी कैसे बदली है, आपका क्या वैल्यू एडिशन है? देखिए, ये थॉट प्रोसेस का फर्क है, ये विचार हर एक पार्टी में क्या होता है। अब मैं अध्यक्ष बन गया हूँ इसलिए अब मेरे बनने के बाद मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, वहाँ वन अपमैनशिप बहुत होती है। हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी हैं, हमारे यहाँ हम सामूहिकता में सोचते हैं, कलेक्टिवली सोचते हैं और हम कंटिन्यूटी में सोचते हैं। इसलिए हमारी पार्टी में मैं कुछ अलग करूंगा इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हम जो काम पार्टी में था उसको हम और गति दे रहे हैं। आई विल टेल यू एन एग्जांपल, लोग भूल जाते हैं, राजनाथ सिंह जी ने पार्टी में कहा ईच बूथ 10 यूथ, ये उस समय के लिए एकदम पार्टी के लिए बहुत ही एक नई प्रक्रिया थी। उसी को नितिन गडकरी जी ने आगे बढ़ाया। अमित शाह जी ने कहा कि ईच बूथ 20 दलित कार्यकर्ता, 20 वुमेन, 20 यूथ, 20 ओबीसी, 20
इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल हर एक को जोड़ो, ये उन्होंने किया. मैंने उसमें उसको हम पेज प्रमुख तक ले गए, हमने उसको बूथ कमेटी तक पहुंचाया. आज 10,40,000 इलेक्टोरल बूथ्स हैं, जिसमें से हम अभी 8.5 लाख तक पहुंचे हैं. मुझे इसको 10,40,000 तक पहुंचाना है और ये 8.5 लाख लोगों को हमको एक्टिवली एसोसिएट करना है. तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. और यही हम पूछ रही थी सर, और यही हम उत्तर प्रदेश, यही हम उत्तर प्रदेश में भी इसी काम को हम और गति के साथ, अगर योगी जी का नेतृत्व है, मोदी जी का आशीर्वाद है, तो नीचे हमारा कार्यकर्ता उसको लेटर और स्पिरिट में अक्षरशः कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, इसके काम को हम कंटिन्यूटी दे रहे हैं. और जो काम अच्छे हुए हैं, हमारे यहाँ इशू होगा डेवलपमेंट का, स्ट्रैटेजी की आपने बात की, समाज के सभी वर्गों को जोड़ना, ये हमारा उद्देश्य होगा. दिस इज माय स्ट्रैटेजी. वैसे स्ट्रैटेजी जो होती है वो पर्दे का विषय होता है, पब्लिकली हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारा जो विचार है, टेक एवरीबडी इनटू कॉन्फिडेंस, सबको साथ लेकर के चलना है, सबके लिए हमने जो काम किया है वो वहाँ तक बताना है. और जैसे कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा इशू है, वो हम लोगों ने उसको अच्छे तरीके से किया है, उसको जनता तक ले जाना है. अभी तो पूरा मौका मिलेगा सर आपको, यूपी पे गिनाने दूंगी मैं सबको. चलिए हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, तो आओगी सर मैं. तो इसलिए मैंने आपसे स्ट्रेटजी सवाल पूछा सर, क्योंकि लोग कहते हैं मोदी जी और योगी जी सब तय करते हैं. देखिए अध्यक्ष जी कैसे स्ट्रेटजी को मतलब बदलते हैं क्या? नहीं, देखिए हमारे यहाँ सामूहिकता में सोचा जाता है. प्रधानमंत्री जी कभी भी जिस विचार को रखते हैं उस विचार के बारे में वह अपने साथियों के साथ हमेशा चर्चा करते हैं. योगी जी जिन बातों को रखते हैं, मैं मोदी शाह कहना चाह रही थी. हाँ ठीक है, तो जो वो दोनों भी करते हैं, मान लीजिए मोदी जी भी कहते हैं या अमित शाह जी भी कहते हैं, तो मोदी जी के विचार को नीचे तक हम लोगों के द्वारा डिस्कशन हो करके, चर्चा हो करके, वह चीज़ आगे छन करके आती है. इसके प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस ये हैं. मान लीजिए कि कोई आइडिया ओरिजिनेट होता है मोदी जी के द्वारा, तो वो साथियों से चर्चा करते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी लोगों से भी चर्चा होती है, चर्चा, और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य साथी हैं, उनके साथ चर्चा होती है, फिर नीचे तक थोड़ी जाती है, और उसमें से जो छन करके आता है उसको प्रधानमंत्री जी रखने का प्रयास करते हैं. तो इट इज़ अंडर हिज लीडरशिप एंड ही इज़ द लीडर, सो ही उनके विचार जो हैं वो तो हैं ही सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन वो सबको साथ लेकर के चलते हैं. आपने मंत्री के तौर पर भी उनके साथ काम किया है और अब आप अध्यक्ष जी बन गए हैं, वो कुछ बदला है क्या, कुछ देखने का स्टाइल या बोलने का स्टाइल? देखिए मोदी जी के साथ मैं जब 29 वर्ष का था और युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब वो मेरे प्रभारी थे और ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी थे. तो उस समय से लेकर के उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला. बाद में मैं हिमाचल में विपक्ष का नेता बन गया, बीजेपी ग्रुप का नेता बन गया, वो मेरे प्रभारी बन गए, तो तब भी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ, हर दिन मैं सीखता हूँ. और एक छोटे होने के नाते उनका जो प्यार, उनका जो हर एक समय गाइडेंस है, और गाइडेंस सिर्फ राजनीतिक नहीं होता, उनका गाइडेंस व्यक्तिगत रूप में भी होता. कोई एग्जाम्पल क्या, हमारे जीवन में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारे दैनंदिन जीवन में, उसमें भी उनका हमेशा सुझाव रहता है. और किस तरीके से हम समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, हाउ वी कैन यूटिलाइज एवरी मिनट फॉर द नेशन, इसकी प्रेरणा वो हमेशा हम सबको देते रहते हैं. और कोई नौजवान अगर रास्ते से थोड़ा सा दायां बायां जाता है, बहुत कष्ट होता है उनको. वो बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि मुझे बड़ा दुख है, बड़ा नौजवान, इससे बहुत आशा है, इसको आगे बढ़ना है, इसको, इतनी चिंता करते रहते हैं. कल पार्टी कैसे चलेगी इसकी चिंता करते हैं. और इसके लिए सब लोगों को अच्छे शब्दों में जो भी सुझाव देना है, राइट फ्रॉम हेल्थ, अच्छा, राइट फ्रॉम हेल्थ टू हाउ वी शुड बिहेव, हाउ वी शुड गो फॉरवर्ड. और हम, जैसे उन्होंने कहा कि हमें विश्वास का सेतु बनना है, तो इसको अब वो नरेट करके बताते हैं कि हमको विश्वास का सेतु कैसे बनना है, और इसके लिए एक नहीं अनेकों को बनना है. कैसे बनना है? अपनी क्रेडिबिलिटी बनाओ, अपने आप की, अपने जो आप कहते हो उसके प्रति आप खड़े रहो, कमिटमेंट के साथ खड़े रहो, बोलने के पहले 10 बार सोचो, बोलो तो फिर उसको पूरा करो. ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो
इनफॉर्मल एजुकेशन में बहुत कुछ हमको बताते हैं। और मैं तो कह सकता हूँ कि उस समय से, और एक 29 साल का लड़का क्या होता है, नटखट बालक होता है, वो एक रिवोल्यूशनरी भी होता है, तो वहां से पॉलिटिक्स में होता है सर नटखट बालक और 50 वाला युवा। देखिए अब ये तो ऐसा है कि हर एक की सुविधा के अनुसार हो जाता है, जैसे जैसे होता है, तो अब मैं उसके बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपने आप को तो नटखट बालक ही कहूँगा उस समय। उस समय से लेकर के गढ़ना, और सिर्फ मेरे को ही नहीं किया उन्होंने, ऐसे बहुत से लोग हैं जो जो पार्टी के लिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, उनके साथ उनका व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत बातचीत, उनके परिवार से लेकर के उनके सारे लोगों के, उनके दैनंदिन जीवन में घटने वाली घटनाएं, यहाँ से लेकर के पर्सनल सजेशन से लेकर के सब चीज़ों में उनका बहुत बड़ा योगदान। अब आते हैं सर उत्तर प्रदेश पर, गन्ना में फंस गए, अब जिन्ना का सहारा है। कोई गन्ना में नहीं फंसे, गन्ना में गन्ना में हमारे विरोधी फंसे हैं। ये योगी जी की सरकार है जिसने 1,40,000 करोड़ गन्ना का भुगतान किया है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। और हमने समाजवादी पार्टी अखिलेश का भी उधार दिया है 10,000 करोड़ रुपए उसका भी दिया है, और अखिलेश ने 95,000 करोड़ रुपये दिया था, हमने 1,40,000 करोड़ रुपए भुगतान दिया है। ये दोनों बीएसपी एसपी दोनों की सरकारें मिला करके, इससे ज़्यादा बनता है जो योगी जी ने दिया है। इनके टाइम में, बीएसपी के टाइम में 21 चीनी मिलें बंद हो गई, इनके टाइम में 11 चीनी मिलें बंद हो गई अखिलेश के ज़माने में, हमारे टाइम में चीनी मिलें खुली और उनको फिर से रिवाइटलाइज किया गया। इतना ही नहीं, गन्ने की खेती वेस्टर्न यूपी में बढ़ी है, जो जो गन्ने की खेती करते हैं उनकी संख्या बढ़ी है, पेराई सबसे ज़्यादा गन्ने की उत्तर प्रदेश में हो रही है, हमारे एथेनॉल का भी सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो इसलिए गन्ने का जहाँ तक सवाल है, हम लोग पूरी ताकत के साथ जो काम योगी जी ने किया है उसको किसान के सामने रखने वाले हैं, और किसान उस बात से कन्विंस भी है कि सबसे ज़्यादा भुगतान हमने किया। जहाँ तक आपने जिन्ना की बात कही है, अखिलेश जी इस विषय को लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से ये उनकी मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है, और उनके साथ साथ वह वोट की राजनीति के लिए क्या कर सकते हैं और देश की विघटनकारी ताकतों को इयोलॉजाइज कर सकते हैं, उसको वो एक 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 ऊंचे पेडिस्टल पर दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और देश ने देखा है कि देश का विभाजन हुआ, जिन्ना का क्या रोल है, सरदार पटेल और उसको एक मंच पर लाके खड़ा करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी जनता के बीच में ले जाना, ये हमारी जिम्मेदारी। तो अच्छा हो गया ना सर आपके लिए तो। देखिए हम अच्छा नहीं मानते, लपक लिया आपने सर। देखिए लपकने का सवाल नहीं है। अब आपने अखिलेश की बात की, कई लोग कहते हैं आपके लिए चैलेंज होगा, मैं कहता हूँ अखिलेश चैलेंज नहीं है, लेकिन अखिलेश की मानसिकता जो प्रदर्शित हो रही है ये हम सबके लिए चैलेंज है। कहाँ 567 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ करके इस देश को भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल ने स्थापित किया, महात्मा गांधी का आशीर्वाद रहा, और उनके साथ जो सदा देश को विभाजित करने के लिए लगा रहा और देश को विभाजित करके छोड़ा, ऐसे जिन्ना को इक्वेट कर देना, ये मानसिकता है जिसको हम चैलेंज करते हैं, और ये मानसिकता हमको बताती है। मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि आपने जिन्ना गन्ना और आपने इन सारी बातों को छेड़ा है, कि ये अखिलेश जी का जो चैलेंज आप सब लोग कहते हैं, मैं ये मानता हूँ कि ये जितने भी वंशवाद के प्रोडक्ट हैं ये सब सुपरफिशियल थिंकिंग रखते हैं, और ये सब लोग सतही तौर पर ही विचार रखते हैं। कहीं आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में तो नहीं? नहीं, मैं अखिलेश के बारे में बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ जो वंशवाद के दृष्टि से निकल करके आए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग सतही तौर पर सोचते हैं, सुपरफिशियल सोचते हैं, वोटों की झड़बड़ी में रहते हैं, और वोट आने के लिए क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं। ये मानसिकता जो है, ये इसको मैं बहुत ही चिंताजनक मानता हूँ, और मैं इसको एक चैलेंज मानता हूँ, और मैं अखिलेश जी को भी उनकी पार्टी के लिए और उनके लिए खुद को वो चैलेंज है ये मैं मानता हूँ।
पार्टी के लिए चैलेंज है अपने पार्टी के लिए। भारी भीड़ आ रही है, वो कह रहे हैं सर उनकी रैलियों में। तो मैं इस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले सर ये देखिए, आप कृषि कानूनों के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि दो धारी तलवार पर आप हैं। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि आप चुनाव से डर गए, आपको लगा आपके एमएलए प्रचार के लिए नहीं जा पा रहे थे, आप डर गए और डर से कि चुनाव में भारी पड़ेगा आपने वापस लिया, और दोधारी इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ किसान भी नहीं उठ रहे। तो वापसी भी ली, सिर पहली बार झुकाया मोदी सरकार ने, और वो भी लग रहा है खाली चला गया। देखिए मैं आपको, ठीक है जी, बॉर्डर से उठ नहीं रहे। देखिए मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, और मैंने पहली बार भी जब मैं पीछे भी आया था तब भी मैंने उसकी चर्चा की थी। जहाँ तक फार्म्स लॉज का सवाल है और उससे हम डरने की बात है, तो मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ। एक तो ये फार्मर्स का एजिटेशन कोई ऑल इंडिया एजिटेशन सारे फार्मर्स का नहीं था। दिस वॉज नॉट द वॉइस ऑफ द फार्मर्स ऑफ द कंट्री, दिस वी शुड रिमेंबर। ये कुछ एरिया में कुछ विशेष लोगों के द्वारा खड़ा किया गया या आंदोलन था, और ये आंदोलन उनके द्वारा चला और ठीक उन्होंने चलाया भी इसको। लेकिन इस आंदोलन के दौरान 2020 के सितंबर में फार्मर्स बिल आया और वो पास हुआ पार्लियामेंट से, तब से अभी तक 6 राज्यों में चुनाव हुआ। 6 राज्यों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार अच्छी मेजॉरिटी से बनी। हमने बिहार में भी सरकार बनाई, हमने असम में भी सरकार बनाई, हमने पुडुचेरी में भी सरकार बनाई, पहली बार बनाई जहां हमारा कुछ भी नहीं था, अभी राज्यसभा की भी सीट हम वहां से जीत के आए। अब 3 राज्य में हम नहीं आए, एक वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हम अपनी वोट परसेंटेज को 3% से बढ़ा करके 38% ले गए और 77 सीटें जीती। यहाँ किसान के सारे नेता है, सूपड़ा तो साफ हुआ कांग्रेस पार्टी का, सूपड़ा साफ हुआ सीपीएम का, ये कहीं दिखने को नहीं मिले। और बीजेपी एक फॉर्मेटेबल ऑपोजिशन के रूप में वहाँ भी खड़ी हुई है। हारे कहाँ हम? हम हारे तमिलनाडु में, वहाँ हम कभी सरकार में थे ही नहीं, हम कभी केरल में सरकार में नहीं थे। तो हम अगर कहते हैं कि किसान बिल का कोई इफेक्ट पड़ता है तो ये इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं। 100 बाई इलेक्शन हुए अंजना जी इस दौरान, 100 बाई इलेक्शंस में 60 इलेक्शंस हैव बीन वन बाय भारतीय जनता पार्टी। 60 ऑन रिकॉर्ड में आपको वो सारे बाई इलेक्शंस के रिजल्ट है, 60 हम जीत करके आए, यानी हमारा 60% रिजल्ट रहा। लद्दाख से लेकर कर्नाटक तक, गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक और अरुणाचल प्रदेश तक, सारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव बीजेपी ने हैंड्स डाउन जीता, एक तरफा जीता। त्रिपुरा से लेकर के ऑटोनॉमस हिल काउंसिल, सारे चुनाव हमने जीत लिए। हिमाचल प्रदेश मैं बता रहा हूँ, उसी में अगर मैं बात करूँ ये हमारे इसका उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का भी हमने जिला परिषद और पंचायत का चुनाव जीता, हमने राजस्थान का भी चुनाव जीता। आपने जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात कही, हमने एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड लिया था कि हम परिवार को टिकट नहीं देंगे, उसके कारण थोड़ा हमको नुकसान हुआ एक जगह पर, और एक जगह पर वीरभद्र जी का जिस तरीके का उनके जाने के बाद एक सिंपथी लेयर थी, उसका भी असर हुआ। लेकिन ऑन दी ऑल जब मैं आपको बोलता हूँ तो 100 बाई इलेक्शंस में से हम 60 बाई इलेक्शंस जीत करके आए हैं, और ये इस बात का सूचक है। हरियाणा में भी हम कांग्रेस पे 3rd नंबर पर रह गई और हम 2nd नंबर पर आ गए, जो सीट चौटाला जी की सीट थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ आप किसान आंदोलन को बड़ा अग्रसर बोलते हैं, बहुत अच्छी सी वोट्स हम ले करके आए हैं। तो इसलिए ऑन रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि एक तो ये आंदोलन ऑल इंडिया नहीं था, और दूसरा इलेक्शंस पर इसका असर नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने मैग्नानिमिटी दिखाते हुए, एक बड़ा दिल दिखाते हुए ये तय किया कि ठीक है, अगर हमारे किसान भाई नहीं मान रहे हैं तो हम इन फार्म लॉज को अपने तरफ से रिपील करते हैं, विड्रॉ करते हैं और इसको हम रिपील कर देंगे। ये एक एक, एक जिसको कहते हैं कि एक बड़ा जेस्चर दिखाते हुए उन्होंने इस बात को किया। लेकिन हम डर गए, हम इसलिए मैंने आपको पिछले बार में भी कहा था कि नीचे तक जाएंगे और चीज़ों को ठीक ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे और हम करके इसमें सफल होंगे, ये बात हमने कही। तो MSP गारंटी कानून मांग रहे हैं सर। MSP आप गारंटी कानून, MSP तो तय करते हैं, आप कहते हैं हमने इतना बढ़ाया, UPA वाले कहते हैं हमने इतना बढ़ाया था, वो गारंटी मांग रहे हैं, कानूनी गारंटी। आपकी सरकार क्या करेगी, कैसे इसको टैकल कीजिएगा? देखिए सबसे पहले ये गारंटी की डिमांड उन्होंने या किसी भी तरीके की डिमांड यूपीए सरकार में क्यों नहीं की? फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि यही सरकार है जो किसानों के प्रति रिस्पॉन्सिव और सेंसिटिव सरकार है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और एक ही नहीं,
सारे सारे, मैं फिर पिछली बार भी कहा अभी भी मैं कहता हूँ, किसान नेता सब लोग बोलते हैं, लेकिन जो काम मोदी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया। आज तो MSP पर कमेटी बनाने की बात कही है, वो हाई पावर्ड कमेटी बनेगी, स्टेक होल्डर्स के साथ होगी, उसमें जो निर्णय होगा वो उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और जो उनके डिमांड्स हैं उसको स्टेक होल्डर्स अपनी तरफ से रखेंगे, और स्टेक होल्डर्स कमेटी में भी होंगे। लेकिन अगर मैं किसानों के बारे में बात करूँ, किसान सम्मान निधि 1,63,000 करोड़ रुपये 10 इंस्टॉलमेंट में, 2,000 रुपये का 10 इंस्टॉलमेंट में 10 करोड़ किसान के बैंक के खाते में पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है, ये हमको ध्यान रखना है। इसी तरीके से 28 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचा दिया गया, डिस्पैच हो गया। इसी तरीके से स्वामित्व योजना के माध्यम से पहली बार बैंक्स को ये फैसिलिटी मिल, बैंक से ये फैसिलिटी मिलेगी कि आप अपने ज़मीन पर और आप अपने मकान पर आप लोन ले सकेगा किसान, इस बात को किया गया। DAP में 2400 की बोरी जो थी फर्टिलाइज़र की, वो 1200 में मिल रही है, मतलब एक बोरी मोदी जी की तरफ से मुफ्त मिल रही है। उसी तरीके से ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, इस बात को भी इरिगेशन को बढ़ाने का प्रयास किया। किसान पेंशन लेने लग गया है, यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। तो किसानों के प्रति सेंसिटिव गवर्नमेंट जो है, और किसानों के प्रति सही माने में उनको एम्पावर करने का काम किया है, तो वो मोदी सरकार ने किया, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, और जो कमेटी फैसला करेगी उसको मतलब तो सर किसानों को गदगद होना चाहिए था, आपने इतने सारे काम गिना दिए, सीधा बैंक में पैसा पहुंचाना बता। देखिए अभी हमने प्रधानमंत्री जी ने एक फादरली फिगर के तरीके से सभी लोगों को कहा है कि किसान अपना आंदोलन वापस लें, और इसको वो और हमने रिपील कर दिया, इस तरीके की बात कही है। अब आंदोलन पर आप मुझे कहना चाहें, मैं इस समय ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आंदोलन में आप कहिएगा कि आप समझा नहीं पाए, समझाएं क्या? मेरा अगला सवाल यही था, पीएम ने बोला ना, यही बोला सर उन्होंने कि हम समझा नहीं पाए। आप दावा करते हैं सर आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो BJP क्यों नहीं समझा पाए? मैं बताता हूँ, कार्यकर्ताओं को भेज दे, हम समझाने में सक्षम है, हमें यही समझ में नहीं आया कि किसान को समझाना क्या है, कौन सा पॉइंट है जो समझना चाहते हैं, किसी भी क्लॉज के बारे में उनको कौन सी चीज़ है जो उनको समझना है, उनको समझना नहीं है। जिन लोगों ने तय कर रखा है, आप मैंने कई बार पूछा कि बताओ आपको एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ में आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऑब्जेक्शन है, आपको सब्जी मंडी पर ऑब्जेक्शन है, कौन सी धारा है जो आपको तंग कर रही है, कौन सी धारा है जिससे किसान का नुकसान होगा, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिससे आपको नुकसान होगा, ना रिपील करो। तो हम ही नहीं समझ पाए कि भैया इनको कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही है। इसके बाद हमको ये समझ में आया कि ये आंदोलन करते रहेंगे, ये इनका उद्देश्य अगर है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज फिर धरती पर हम लोगों को चीज ठीक ढंग से समझाएंगे और उसके नतीजे आएंगे, ये हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। ये डर इसलिए ये कहा ये जा रहा है कि आप लोग इस बार डरे हुए क्यों हैं, क्योंकि कृषि कानून वापसी की आप लोगों ने, दूसरा बूथ कॉन्फ्रेंस करेंगे आप खुद करेंगे, जाकर अमित शाह जी करेंगे, राजनाथ सिंह जी करेंगे क्षेत्रवार तरीके से, और सारे हैवी वेट्स उतर रहे हैं, मतलब मामला थोड़ा गड़बड़ है इसमें। देखिए पहले मैंने आपको डर की बात बता दी, इलेक्शन के सारे नतीजे आपके सामने रख दिए, कोई डर की बात नहीं है, बीजेपी कभी ना घबराती है ना डरती है, 18 करोड़ की पार्टी है, डरने की बात क्या है, सारे लोग मिलकर के लगेंगे, सारी चीज़ों को ठीक करेंगे, क्या दिक्कत है, और मैं अकेला थोड़ा ना करने वाला हूँ, हम सब लोग मिलकर के करने वाले हैं। मैं कभी भी अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं महसूस करता हूँ, इतनी बड़ी संख्या लीडर्स की है, इतनी हाँ सर पूरी के पूरी कैबिनेट उतार देंगे आप यूपी में। अब उसको सुनिए, उसकी भी मैं बात करता हूँ आपको। अभी ये बूथ कॉन्फ्रेंसेस हुआ, थोड़ा सा मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हो गया, कहा गया कि हमने बूथ के इंचार्जेस बना दिए, नहीं हमने इंचार्जेस नहीं बनाए, हमने बूथ के कॉन्फ्रेंसेस के लिए लीडर्स जाने को तय किया। अब मैं गोरखपुर गया हुआ था, गोरखपुर में एक गोरखपुर क्षेत्र का बूथ कॉन्फ्रेंस थी, बूथ के सिर्फ अध्यक्ष बुलाए थे, संख्या कितनी थी 30,000, और 30,000 जब बीजेपी का कैप लगा करके बैठे थे तो मेरा भी दिल गदगद हो गया, मैंने कहा केसरिया ही केसरिया दिख रहा है, और मैंने कहा ये सम्मेलन है कि जनसभा है, मैं अंतर नहीं पता कर पा रहा हूँ। तो आप बताइए अगर 30,000 लोगों को एड्रेस करना हो तो अमित शाह ना जाएं, राजनाथ जी ना जाएं, और हम ना जाएं, और उनको हम मोबिलाइज ना करें, उनको हम ताकत ना दें, और उनको हम जिसको कहते हैं कि
पैट ना करें, उनको हम शाबाशी ना दें, तो क्या कैसे पार्टी चलेगी? इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी, अब गोरखपुर में मैं गया तो मैं बार बार कह रहा था कि ये मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं कोई ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर्स को संबोधित कर रहा हूँ। द नंबर इज सो ह्यूज, 30,000, और 30,000 लोग जब सामने खड़े हैं, और ये सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, तो अगर बीजेपी के कॉन्फ्रेंसेस 30,000 के होने लगेंगे तो फिर केंद्रीय स्तर का ही नेता कोई जाएगा जो उसको एड्रेस करेगा और उसको रखेगा। आप हजारों में बात करें, अखिलेश जी कह रहे हैं लाख से कम लोग तो आ ही नहीं रहे हैं उनकी भीड़ में, उनकी उनकी रैली में, तो हमें अखिलेश कितने बड़े चैलेंज के तौर पर आप देख मैंने रहे तो आपको पहले कहा कि उनकी उनके यहाँ प्रजातंत्र है, अगर वो आ रहे हैं तो हमें दिक्कत कहाँ है। आप लाइए, हर एक चुनाव में लोग आते हैं, किस कारण से आते हैं और किन कारणों से आप बुलाते हैं और किन बैकग्राउंड में आप बुलाते हैं वो जनता जानती है। उनका क्या चुनाव फैक्टर होता है वो भी आपको मालूम है, वो किस तरीके के लोगों को प्रोत्साहन देते हैं वो भी मालूम है, जग जाहिर है। किस तरीके के लोग सर? जो जिस तरीके का गुंडा राज उनके टाइम में रहा है, जिस तरीके के एक विशेष वर्ग के लोगों का बोलबाला बुलाते हैं, जिस तरीके से उन लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि तुम हमारी सरकार बना दो, उसके बाद तुम्हारा राज चलेगा, थाना तुम्हारा, डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा, इलाका तुम्हारा, सब डिवीजन तुम्हारा, बाकी जनता जाए जहां जाना है, तो ऐसे लोगों को चैलेंज कौन है? बीजेपी है। और उन लोगों का जिनका रोजगार चला गया, अब सारे के सारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए, वो बेरोजगार हो गए, तो वो तो अखिलेश के साथ खड़े होना चाहेंगे ही चुनाव में, यही तो उनके लोग हैं, यही जो जो खड़ा होना चाहते हैं। क्या आप यादवों के बारे में बोल रहे थे? मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ, वर्ग विशेष। वर्ग विशेष कौन सा? आपको मालूम है मैं इस तरीके से क्यों बोलूँ, लेकिन हाँ, वह सबको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वह समाज को खंडित करते हैं, उनकी भाषा उन वो वर्ग को भी और धर्म को भी, दोनों को खंडित करता है और देश को भी खंडित करने की योजना बनाता है, इस बात को हमको उनकी भाषा से स्पष्ट दिखता है। प्रियंका गांधी आजकल बहुत सक्रिय है और हमने देखा हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी, वो भी जबरदस्त उनको लड़ते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, प्रियंका जी आई हैं, अच्छी बात है, प्रजातंत्र है, सबको आना चाहिए, सबको इस संगठन के काम में करना चाहिए, लोग जुड़े, अच्छी बात है, वो अपनी बातों को कहें, अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लीडर और रीडर में अंतर होता है। लीडर और रीडर, 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 लिखे हुए भाषण से जनता में काम नहीं होता, इसके इसमें से निकलना पड़ता है, इसकी खुशबू में से निकलना पड़ता है, इसके लिए लगना पड़ता है, चुनाव से 4 महीने पहले आ करके, तो ये आप लीडर नहीं होएगा, आप रीडर होइएगा, आपको जो समझा दिया जाएगा वो आप बोल करके आ गया, आगे चल देंगे, तो ये हमको समझना चाहिए। और मुझे तो बड़ी खुशी है, मैं उनको देखा, वैसे मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली ने और हमारी संस्कृति ने, इन नेताओं ने जिन्होंने कभी भी मंदिर के दर्शन नहीं किए, आजकल चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं, ये इस बात का सूचक है कि राजनीति में किस तरीके से जो चीज़ों में बदलाव आ रहा है उसके साथ आपको समावेश होना पड़ रहा है। देर आए, दुरुस्त आए, भगवान आपको सुबुद्धि दे, आप काम में जुटिए। और ये प्रजातंत्र है, किसी की वो तो है नहीं कि सिर्फ हम ही रहेंगे, जो हैं अच्छे से बढ़े, हम यही उनको कामना करते हैं। यूपी में लेकिन सर छोटे दलों के साथ गठबंधन जो पिछली बार आप लोगों ने साधा था वो काफी हद तक निर्णायक रहता है कि कौन सी पार्टी कैसे, कहीं इस रेस में आप अखिलेश से पीछे तो नहीं हो रहे? एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स के वो सेंटर बन रहे हैं, राजभर हो, तमाम पार्टी, RLD हो, जो पूर्वांचल पुराने साथी आपके थे वो भी सब उनकी तरफ मैग्नेट की तरह चिपक रहे हैं, कहीं गठबंधन वाले जो छोटे दलों के साथ जो आप लोगों की पॉलिसी थी पहले, इसमें कहीं आप रेस में पीछे तो नहीं है? देखिए, हम इस बात से पूरी तरीके से सजग हैं और हम जानते हैं कि स्लोली स्टेडीली ऑल विल यूनाइट अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने पिछले चुनाव में भी किया था, पहले इन्होंने समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ 2017 में, बाद में समाजवादी और BSP का गठबंधन हुआ, आप सब लोगों ने कहा बड़ा प्रबल गठबंधन है, ये तो हिला देगा, मैं ही उत्तर प्रदेश का इंचार्ज था, मैं उस समय भी कहता था दिल थाम के बैठो, एक तरफा नतीजा आएगा, और वो एक तरफा नतीजा आया, तो वी आर रेडी फॉर इट, इन कमिंग टाइम्स ये सब इकट्ठे होंगे। और देखिए, जब हम राष्ट्रीयता के साथ, देश सेवा के साथ चल रहे हैं, तो आप या तो एजेंडा बदलो या फिर आप इकट्ठा होकर के चलना चाहते हो तो चलो, हम आपको, हम भी तो राजनीति कर रहे हैं, तो हम भी आपको उस तरीके का जवाब देंगे। RLD का जहां तक सवाल है,
मोदी जी के 2014 में आने के बाद, यानी हम जब केंद्र में सरकार में आए, तब से लेकर आज दिन तक हमारा आरएलडी से कोई समझौता नहीं हुआ। पर डोरे डाल रहे थे आप? नहीं, आरएलडी से कभी समझौता नहीं हुआ, और उसके साथ साथ उनको चुनाव में हमने हराया है। जहां तक पूर्वांचल के सवाल है, हमारे एक साथी हमको छोड़ करके गए, लेकिन वो 2019 के पहले ही छोड़ करके चले गए, और उस समय समाजवादी और बीएसपी का बहुत जोरदार गठबंधन था, उसमें भी हमने पूर्वांचल में उनको हराया है, तो हम उसको मान करके चलते हैं। हमारे तरफ से कोशिश ये होती है कि हम किसी को अपने तरफ से नहीं भेजेंगे, हम किसी को अपने तरफ से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, पॉलिसीज पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो पॉलिसीज पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं वो कई बार किसी के लिए दिक्कत की बात हो जाती है, लेकिन हम रिस्पेक्टफुल रहते हैं। हम जो साथी हमारे साथ रहता है, हम उसके प्रति हमेशा एक सद्भाव का दृष्टिकोण रखते हैं। कृषि कानून की वापसी के बाद क्या अब रास्ता खुल गया? आर्टिकल 370 वापस रीइंस्टेट कीजिए, सीएए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि यूपी में वो शाहीन बाग बना देंगे। ठीक है, देखिए, ओबीसी एक राजनीतिक दल चलाते हैं और ओबीसी एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, उस विचारधारा को वो पनपाने के लिए, उसको ताकत देने के लिए इस तरीके की बातचीत करना उनके लिए स्वाभाविक है, लेकिन हमें उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। उनकी वो उनका मैं उस पर कमेंट करूं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक राजनीतिक दल चलाते हैं और उसका उद्देश्य यही है, तो वो इसी तरीके के काम कर रहे हैं। कहते हैं बाकी पार्टियां कि आप लोग पोलराइजेशन का काम उनको आउटसोर्स कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पोलराइजेशन कभी करते ही नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और देखिए, जब हम कहते हैं, और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, हम लाभार्थियों से मिलने की बात करते हैं। हु आर दी लाभार्थीज? मैक्सिमम आर पीपल फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी, मैक्सिमम आर दलित्स, दोज हु मे नॉट सपोर्ट अस, बट वी आर गोइंग एंड वी आर अप्रोचिंग देम। और आज मेरा विश्वास है पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं पार्टी में कोई अध्यक्ष बनकर के काम करने नहीं आया हूं, अंतिम समय तक काम करने वाला हूं, और मैं देखने वाला हूं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिन पूरी तरीके से जुड़ेंगे, ये हम करके दिखाएंगे। ये यूपी की आपकी इंटरनल रिपोर्ट क्या कह रही है, इससे पहले कि हम अन्य राज्यों पर जाएं सर, क्या इंटरनल सच सच वाला बताइएगा? एकदम सच ही बताते हैं, मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ, आप बताइए मैंने कभी झूठ बोला हो? मैं अपने तरफ से तो प्रयास यही रखता हूँ कि जो सच्चाई है। 300+ हम जाएंगे, 300+ बिल्कुल एक तरफा, और चुनाव जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे हमारी सरकार बनने का आसार तो है ही, लेकिन 300+ के नंबर के साथ जाएंगे। गर्म होगा मतलब जिन्ना? नहीं नहीं, शमशान। देखिए, ये तो हमारे, जिस मैंने कहा ना कि अखिलेश जी तो खुद अपने आप के लिए चैलेंज है, तो वो इस तरीके का चैलेंज उठाते रहेंगे, तो हम जवाब तो देते ही रहेंगे, क्योंकि इसमें से देखिए डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेज के लिए क्या डिज़ाइन है, इसको तो हमको समझना पड़ेगा, और हम समझते हैं तो हमको समाज को बताना ये हमारी जिम्मेवारी है, देश को बताना हमारी जिम्मेवारी है। अब जरा पंजाब और बाकी राज्य जो है उस पर जल्दी जल्दी आ जाते हैं सर। पंजाब में आपको क्या लग रहा है, क्या बहुत नाराजगी है किसानों को लेकर? आपके कृषि कानून की वापसी, आपको लगता है कुछ बदलाव होगा? देखिए, क्या रणनीति होगी? देखिए, कृषि कानून के, वैसे पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक सद्भाव रहा है। ये कृषि कानून वापस होने के बाद जो एक उनके दिलो दिमाग पर एक कंटेंशन था वो भी हट गया है, इसलिए पंजाब में हमारी स्थिति और हमारे प्रति, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज जो वरिष्ठ लोग भारतीय जनता पार्टी में पंजाब के नेता ज्वाइन कर रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा सिग्नल है। ये हम नहीं बता रहे हैं, सब लोग पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आगे आ रहे हैं। हम तो 23 सीटों पर लड़ने वाले लोग हैं, हम 23 सीट पर लड़ने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए अगर मान लीजिए कि अकाली दल के कुछ लोग तैयार होते हों, कांग्रेस पार्टी के लोग तैयार होते हों, और आ रहे हैं बड़े बड़े लोग, आ रहे हैं बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, तो दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट इन पंजाब भारतीय जनता पार्टी हैज़ गॉट अ वेरी कंजीनियल एनवायरनमेंट, हमारे लिए बहुत अच्छी फेवर की बात है। दूसरी बात कि जितना हमारे सिख भाइयों के लिए मोदी जी ने किया है, और दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, ये हमारे सिख भाई भी मानते हैं, उतना किसी ने नहीं किया है। गुरुद्वारा प्रबंधक हरमंदिर साहब ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को उसको लागू करके वहाँ फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल सके, इसकी चिंता की गई। लंगर में जीएसटी न लगे, देश भर में न लगे, इसकी चिंता मोदी जी ने की है। करतारपुर साहब, नानक साहब, 120 करोड़ रुपए का कॉरिडोर बना के 70 साल जो दर्शन नहीं कर सकते थे उनको दर्शन देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, इसको हमको समझना चाहिए।
जामनगर में 750 बेड का हॉस्पिटल बना करके सिख भाइयों को दिया तो मोदी जी ने दिया है। ब्लैकलिस्टेड सिख भाई जो थे उसमें से 314 के ब्लैकलिस्ट हटाई गई, सिर्फ दो बच गए हैं जिन पर ब्लैकलिस्ट है, ये भी काम किया। 1984 के रायट्स के 40 साल बाद जो लोग दिल्ली में धनाधन घूम रहे थे, आफ्टर 40 ईयर्स SIT बैठाकर उनको जेल के अंदर डालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो इसलिए हर एक तरीके से 350 साल का गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, उसमें योगदान किया। जलियांवाला बाग का जो जीर्णोद्धार हुआ और आज वहाँ साउंड एंड लाइट प्रोग्राम और उसको जो अपडेशन किया गया वह भी मोदी जी के प्रेरणा से और उनके डायरेक्शन पर हुआ है। तो जितना सिख भाइयों के लिए काम हुआ और उनके जो इश्यूज थे उनको एड्रेस हुआ है उतना किसी ने नहीं किया, वह मोदी जी ने किया है। और यह बात हम जनता के बीच में और सिख भाइयों के बीच में भी रखने वाले। कृषि कानूनों पर ही अकाली दल ने अपना समर्थन NDA से खींच लिया था, अब जबकि कृषि कानूनों की वापसी हुई है, क्या अकाली दल के साथ कोई समझौता गठबंधन हो सकता है, क्या कोई बातचीत आपकी हुई है? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। देखिए, वो गए भी अपने आप थे, वो एक दिन आए थे मेरे पास, सुखबीर जी आए थे और बाकी लोग आए थे, हम आपसे विड्रॉ करते हैं सपोर्ट। हमने कहा देखो, हम तो कभी किसी को भेजते नहीं है, हमारा सबसे, और पिछले चुनाव में सब लोग बोल रहे थे लास्ट चुनाव में कि BJP अकेली लड़े, हमने कहा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे पुराना गठबंधन है, हम नहीं तोड़ेंगे, कम वॉट में वी कैन फेस सम प्रॉब्लम्स इन द इलेक्शंस बट हम साथ चलेंगे। वो हमको छोड़ करके गए। उसके बाद हमने जो काम किया है वो मैग्नानिमिटी को ध्यान में रख करके किया है। अकाली दल ने कोई ऐसी चर्चा भी नहीं की है, फोन पर भी बात नहीं, ऐसा नहीं है, उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, तो इसलिए हम उस पर। कैप्टन अमरिंदर उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, उनके साथ हमारी बात चल रही है, देखते हैं आगे चल करके क्या होता है। क्या वो किसानों के साथ समझौता कराने में भी आप लोगों के साथ संपर्क में है? ऐसा नहीं, वो उनके साथ चुनावी दृष्टि से आगे के लिए बात चल रही है। उत्तराखंड में पर अब आते हैं सर, आपने 3 CM बदल दिए, बच्चे नाम याद कर करके मुख्यमंत्री का परेशान हो जाते हैं, याद करते हैं तब तक अगला CM का नाम आ जाता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत और जीवित पार्टी है, हर टाइम हर विषय को हर तरीके से संपूर्णता में हम लोग सोचते हैं। तो जिसकी कुर्सी जाती है जरा उसकी सोचिए, हम इस तरीके से सोचते नहीं है, ना किसी की कुर्सी जाती है, हम सबको सम्मान देते हुए चलते हैं। और हमारे जो ओल्डर जनरेशन ने जो अच्छा काम किया है उसके प्रति हम साधुवाद भी देते हैं। और ये नहीं है कि आपको हमने चीफ मिनिस्टर से हटा दिया तो आप पार्टी में, आपको कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपको पार्टी में बहुत अच्छी जिम्मेवारी, अहम जिम्मेवारी देने वाले हैं और हम देते भी हैं, लेकिन ये हमारा सोच नहीं होता। मैंने कहा ना, वन अपमैनशिप चलता नहीं है। अच्छा, आप ही बताते हैं ना सर बुलाकर कि अब आपका? नहीं, वो तो पार्टी के अध्यक्ष का ही काम होता है, हम बड़े प्यार से। हार्ट ब्रेकिंग जॉब है सर। नहीं, हार्ट ब्रेकिंग नहीं, उनको भी हम समझाते हैं, दीज आर ऑल स्टेप्स विच कम इन पोलिटिकल लाइफ, वन हैज टू टेक इट। और हम समग्रता में सोच करके करते हैं, कोई दुश्मनी से नहीं करते हैं कि तुमको हम हटा रहे, ना 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 ना, ऐसा नहीं हम कहते हैं। हम कहते हैं सारी बातों को सोचा गया है, सोचने के बाद ऐसा है कि नए लोगों को चांस दिया जाए, और ब्रॉडली ये हमारा प्रिंसिपल है कि हम नए लोगों को चांस देते हैं, और नए लोगों को चांस देने के साथ साथ पुराने लोगों का सहयोग मिले इसकी हम चिंता करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और इफेक्टिविटी, लोगों के साथ फीडबैक लेकर के, सब चीज़ों को लेकर के समग्रता में विचार करते हैं। तो परफॉर्मेंस एक वजह है, गुजरात में भी आपने मुख्यमंत्री, मैनी फैक्टर्स टुगेदर, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है यंगर जनरेशन को चांस देना। और स्थूल पार्टी नहीं होगी, स्टैग्नेंट नहीं होगी, ये चलायमान पार्टी है, इसमें हर दिन हर परिस्थिति में हम नए तरीके से सोचने की एक्टिविटी। कितने लोगों की धड़कनें अभी तेज हो रही होंगी आपकी ये बातें सुनकर। नहीं नहीं, हम देखो हर दिन चलायमान, ये नाश्ता करके सुबह सुबह सर, जैसे 4-9 के अध्यक्ष जी ने बुलाया है, खाना ना हजम हो इंसान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ इस तरीके एवरीबडी हैज दे आर परफॉर्मिंग, और उसमें हम हमेशा ये जो बात सच्ची भी है कि हम उनको नई जिम्मेवारियों के साथ जोड़ते हैं, तो उसमें जिस जिम्मेवारी पर हैं उनसे उनको वंचित, उसको छोड़ करके वो नए जिम्मेवारी में जाते हैं, तो कोई धड़कन उड़कन हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं होती है, ये हम सब लोग इसी तरीके से लेते हैं। और मैं सबको राजनीति में कहता हूँ कि भाई जिस दिन बनाया था उस दिन तेरे को पता था कि तुमने बनना है? नहीं मालूम था। जब तुमको ये नहीं मालूम था तो जब हम तुमको ये कह रहे हैं कि अब अगला जिम्मा तुमको दूसरा मिलने वाला है, परम ज्ञान टाइप बातें हो गई कि जो दुनिया में आया है
वो एक दिन जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए सर सबको अच्छी नींद आए इसलिए बता दीजिए अगली बारी किसकी है, किस पे तलवार लटकी है। मैं बताता हूँ आपको, पहले पहली बात इस बात को समझिए कि हम सब लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं, यू आर नॉट फॉर एनी चेयर, यू आर फॉर ए मिशन, एंड फॉर मिशन पार्टी डिसाइड्स वेयर यू हैव टू स्टे एंड यू हैव टू गो। इसको दिमाग में बार बार भर लो। और मैं इसे और नहीं एकदम निकालिए सर अध्यक्ष वाला पूरा इमोशन। मैं सबको बोलता हूँ देखो तुमसे तुम्हारे से खुद के बाल नहीं काटे जाएंगे, ये दूसरा ही काटता है। तो इसलिए डोंट ट्राई टू सी टू इट कि तुमने अपना कैरियर बनाना है, ये तुम अपना काम करते चलो। यहाँ पार्टी में आपके लिए बनाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, वो पूरा काम करेंगे, अच्छे से करेंगे और आपको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ये हम बार बार उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप किसी कुर्सी से चिपक न जाइए और उनके प्रति प्रेम न पैदा कर लीजिए। आप इशू से जुड़िए, आप लोगों की सेवा से जुड़िए, वो काम करने के लिए आप आगे निकलिए, ये हम कहते हैं। एक होता है सर बाल काटना, एक होता बाल संवारना। हम संवारते हैं। संवारते हैं सर, जो सब चैन से सो सके। अगली किसकी बारी है मुख्यमंत्री की, तलवार किस पे लटकी हुई है? आपने अभी गुजरात की बात की, गुजरात में देखिए हमारा पार्टी 3 दशक से सरकार में है, मजबूत पार्टी है और वहाँ संगठन में आइडियोलॉजिकली चीज़ों को और एक अच्छे संस्कारों के साथ बनी हुई पार्टी है। वहाँ हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट इस बात को किया है कि हम एक साथ नए जनरेशन को चार्ज देते हैं। ये बीजेपी हिम्मत कर सकती है, ये मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और पार्टी ही हिम्मत कर सकती है कि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करें और ओल्डर जनरेशन का साथ मिले और यंगर जनरेशन आगे बढ़े। ये प्रोसेस अगर होता है तो बीजेपी में होता है और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग हमेशा करते रहते हैं। मैंने फिर कहा ना ये जीवंत पार्टी है, इसमें हमेशा हम सोचते रहते हैं और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहते हैं कि आप मिशन से जुड़े रहो, चलते चलो, कोई चिंता मत करो, ये तुम्हारे बारे में सोचना। मेरे पास ऐसी आपसे अब चर्चा चल पड़ी तो मैं कहूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं कई बार मेरे को लोग बायोडाटा लेकर के आते हैं और कह देते हैं, मैं कहता हूँ भैया तुम बीजेपी को पहचाने नहीं, यहाँ तुम ये जो ग्लॉसी पेपर पे बायोडाटा लेकर के आए हो, तुम हमको आधा घंटा दे दो, तुम्हारे सारी जानकारियाँ मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में बता दूंगा, ये बीजेपी है। तो यू डोंट नीड कि यू टेल कि हम ये हैं। योगी जी ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे ना अगर जीत हासिल होती है तो? देखिए हम यूपी में हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही हमको आगे जाना है और इस बात को मोहर पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाती है, लेकिन उनके नेतृत्व में हम जा रहे हैं। और बीजेपी जीती तो? जी जी जी, जी। आपका मन यही है ना, वही बनेंगे ना? होना यही है। अच्छा यही होना। हाँ उनके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, बिल्कुल उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं और उनके ही नेतृत्व में पार्टी सरकार में आ रही है। बिहार के आप हैं सर और बनारस से आपके पिताजी का भी रिश्ता है, वो रहे हैं, बिहार वाला टच नहीं आता आपकी भाषा में। ऐसा है 40 साल बाहर हो गए बिहार से, इसलिए टच थोड़ा सा, अब नॉर्थ इंडिया में रहा इसलिए। लेकिन बिहार की आपने बात कह दी तो हम कहते हैं रउआ लोगन सब जानत है कि बिहार के कैनो मुकाबला नहीं थे। और रउआ आपने के भी बिहारा जिला घर बा, कौन बात के डर बा। तो थोड़ा बहुत मैं बिहारी जितना बोलता हूँ समझता तो पूरा हूँ। और एक बात और है कि खाना हिमाचली पसंद है वहाँ का? दोनों, दही चूड़ा भूलता नहीं है, लिट्टी चोखा भूलता नहीं है और हिमाचल की सेपू बड़ी धुली दाल ये भी नहीं भूलती है। तो और मुझे वैसे सभी प्रदेशों का भोजन बहुत अच्छा लगता है। अब मैं साउथ इंडिया में जाता हूँ तो मुझे वहाँ कोई पराठा पनीर खिला दे तो मैं बोलता हूँ मेरे साथ क्यों अन्याय कर रहे हो, इडली डोसा खिलाओ भाई। तो जो जहाँ जिस जो भोजन होता है उस भोजन को मैं अच्छा लगता है और बिहार में बचपन गुजरा है इसलिए अब मकर संक्रांति हो दही चूड़ा ना हो तो मज़ा नहीं आएगा, अगर तिलकुट ना मिले तो मज़ा नहीं आएगा, अगर सिलाव का खाजा नहीं खाया तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये सब बिहार के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अंगरसा अगर ना मिले तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये और मैं
अच्छी तरीके से इन सब चीजों ये चलती हूँ यहाँ से आपको सीधे पार्लियामेंट, क्योंकि वहां पर हाजमा विपक्ष का एकदम बिगड़ा हुआ है। 12 सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया है, उनका कहना है कि नियमों को ताक पर रख के किया गया है, 12 आवाजें विरोध की आपने बंद कर दी है, ये सरकार तानाशाह है, और 10 और 11 जो दो मानसून सत्र के दो तारीखों का मामला है उसमें एक दिन पहले जब कई सांसद टेबल तक पर चढ़े, आप लोग बार बार कहते हैं सांसद टेबल पर चढ़े, सांसद टेबल पर चढ़ गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। लेकिन अगले दिन जिन 12 सांसदों को आपने सस्पेंड किया है उनका कहना है कि तानाशाह सरकार है, विरोध की आवाजें बंद कर रही है। बिल्कुल नहीं, हमारा कोई क्या काट है आपके पास इस गति? कोई काट नहीं है, कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार लोगों को सस्पेंड किया गया है और वो तथ्यों के आधार पर किया गया है। और जिस तरीके से उन्होंने संसद को एक तरीके से जो व्यवहार किया गया है वो चिंताजनक है और वह बहुत ही दुखदाई है। हमारे इतिहास में पर पार्लियामेंट में ऐसी घटना घटे ये हम सब के लिए अच्छा नहीं है। और उसमें एक समिति के रिपोर्ट के आधार पर संसद ने इस राज्यसभा के लोगों ने ही उसको पारित करके उनको सस्पेंड किया है और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें कोई तानाशाही कोई डेमोक्रेसी का गला घोटना ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी का अर्थ है कुर्सी पर बैठ करके अपने डिस्कशन को करो और अच्छी तरीके से बातों को सुन करके काम करो। तो 10 तारीख को जो टेबल पर चढ़े उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? कमेटी देख रही होगी, कमेटी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। लेकिन सर दिक्कत ये है ना कि वो कह रहे हैं पूरे शीतकालीन सत्र में आपने वो कर दिया। नहीं देखिए, जिस तरीके की घटना घटी है उस पर जो कमेटी का रिपोर्ट है, यह हमारा रिपोर्ट तो है नहीं, कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर किया गया है और उस रिपोर्ट को मोहर लगी है राज्यसभा की, तो उसके अनुसार ही हुआ है। वो पूरे सेशन के लिए हुआ है, वो हुआ है तो हुआ है। और प्रजातांत्रिक राइट्स को अगर मान लीजिए हम अपने हाथों में लेकर के नियमों को ताक पर रख करके चलेंगे तो इस तरीके की एक्टिविटी, विपक्ष का तो चरित्र इस देश में है सर, जब आप लोग थे ऑपोजिशन में तो आप लोग करते थे हंगामा। देखिए मैं नोट तक उछालते हुए देखा है देश की संसद ने। देखिए मैं आपको फिर कहता हूँ कि इनको ऑपोजिशन को अगर ऑपोजिशन करना सीखना हो तो हमसे कुछ चर्चा कर लें। मैं विपक्ष का नेता रहा हूँ और मैंने विपक्ष में रहते हुए किस तरीके से काम करना इसको भी हमने समझा है। सबसे बड़ा वेपन ही ऑपोजिशन का पार्लियामेंट होती है, विधानसभा होती है। उसका उपयोग तो वो तो सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जगह होती है, आप उसका उपयोग ना करें तो ये आपकी आपकी दिक्कत है। हमारी प्रोडक्टिविटी कहाँ ख़त्म हुई? पिछली पार्लियामेंट में हम लोगों ने लोकसभा में 18 बिल पास किए, 132 घंटे चली, राज्यसभा 104 घंटे चली, 18 बिल हमने राज्यसभा में पास किए। को लोग कह देते हैं कि पार्लियामेंट वॉश आउट हुई, कहाँ वॉश आउट हुई, हमने लेजिस्लेटिव तो सारे बिजनेस हमने पूरे किए। तो सर बिना चर्चा के ध्वनि मत से पार करा ले भैया, तो हमने सबसे कहा कम मिनटों में, हमने कहा कहा कि आप इसमें चर्चा में मत आओ। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप डेमोक्रेसी को आप बंधक बना देंगे, ये संभव नहीं है, इस तरीके से हम नहीं होने देंगे। और जो सबसे बड़ा वेपन है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, उपयोग कीजिए। क्वेश्चन आवर नहीं होगा, क्या सरकार ने क्वेश्चन आवर को रोकती है? क्वेश्चन आवर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेपन इन हैंड ऑफ ऑपोजिशन। मंत्री तैयारी करता है, एग्जामिनेशन किसका हो रहा है? मिनिस्टर का हो रहा है। वो बेचारा तैयारी करके आता है, एक घंटे आपने उसको स्क्रूटनाइज करना है। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन आवर सस्पेंड करते हैं, सबसे रिलीफ किसको मिलता है? मंत्री को मिलता है। नुकसान तो आपका होता है कि जो आपको वेपन मिला था, जो आपको इस्तेमाल करने का उपयोग मिला था, उसका आपने सदुपयोग नहीं किया। तो इसलिए ना वॉश आउट है ना गतिरोध है, ये ऑपोजिशन। और ऑपोजिशन जो है ना वो हमारी कॉपी करने की कोशिश करती है। देखिए कार्बन कॉपी कार्बन होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। हम जब विपक्ष करते हैं तो हम ओरिजिनल करते हैं, तो कुछ नया सोचिए ना सर, इतना नया आउट ऑफ बॉक्स, नया नो काम नो वेतन नहीं, कुछ लाइए। चलिए आगे चल करके आपका सुझाव उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। आप सहमत है मतलब? लेकिन नहीं, ये तो संसद तय करेगी, लेकिन आपका मत हम कौन सी नौकरी है सर जिसमें सुबह सुबह आइए लड़ाई झगड़ा कीजिए घर चले जाइए? यही तो मेरा कहना है कि आप डिस्कशन में क्यों नहीं आते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, क्वेश्चन से संतुष्ट न हुए तो डिस्कशन, सबके नियम बने हुए हैं। लेकिन संसद चले, ये लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। क्या किया? 15 नोटिस एडजॉर्नमेंट में ठोक रखे। एडजॉर्नमेंट होती है जब आपको सरकार के बेसिक प्रश्नों पर खड़ा होना होता है, तो वो आपको लगता है कि
आप उससे निकलने चाहते वो उस पर आप आते हैं, लेकिन आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो किसने मना किया? हम तो चाहते हैं कि डिस्कशन हो, और हम दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए तैयार हैं, और हम ही नहीं कोई भी सरकार होगी उसको करना पड़ेगा। लेकिन यस, द ऑपोजिशन शुड नो टू यूज द रूल्स इन देयर फेवर, नंबर वन। नंबर टू, दे शुड बी प्रिपेयर्ड। इनकी इच्छा क्या होती है? आए, दो फोटो आप अंदर का और चार फोटो आप बाहर का लगाया, दिन पूरा हुआ चलते बने। तो अगर आपने इस तरीके से ऑपोजिशन करनी है तो भारत की जनता भी देख रही है, और निश्चित रूप से जो आपके पास उपयोग करने का आपके पास अधिकार है उससे आप वंचित अपने आप को कर रहे हैं। इसलिए गतिरोध नहीं है, स्व अवरोध है, खुद से आप अपने आप को अवरोध कर रहे हैं। बिल तो आप लोग पास करा ही लेंगे ऐसे, वो तो होना ही है। कृषि बिल भी ध्वनिमत से लाए, ध्वनिमत से ले गए, निश्चित रूप से होना, क्योंकि आपने आपको मौका दिया। सरकार की जिम्मेदारी होती है ना सब, पार्लियामेंट में अगर डिबेट होना, चर्चा नहीं होगी तो कहाँ होगी? बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में डिस्कशन हो गई, चर्चा हो गई, और कहा हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कमरे में चर्चा हुई, बाहर आए, बोले हमें फोन आया। कहाँ से आया? विदेश से आया, अपने यहाँ है भी नहीं, और चर्चा नहीं होगी, और हमको फॉलो कराने को बोलते हो। ऐसा अगर विपक्ष हो तो हम क्या करेंगे? हमें तो आपने कहा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, यू हैड पुट एन आवर एंड अ हाफ फॉर दिस डिस्कशन, फोर आवर्स यू हैड डिसाइडेड फॉर डिस्कशन, यू आर नॉट इवन रेडी टू डिस्कस फॉर ए मिनट। हम क्या करें? तो ऐसे तो देश नहीं चलता है। सर, ऑपोजिशन में अभी ममता बनर्जी बहुत सक्रिय हो गई हैं, और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद उनको लगता है कि मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनके कार्ट जो है मेरे पास है, अच्छा उनके है, पास मंत्र है, अच्छा है प्रजातंत्र में। वो तो कांग्रेस को छोड़कर एक वैकल्पिक जो विपक्ष है उसको एकजुट कर रही है शरद पवार, जो क्षेत्रीय दल है उसके साथ, ये मुश्किल बन सकता है। देखिए, हम ये प्रजातंत्र है, उनका पूरा अधिकार है वो करें। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, जीवंत पार्टी है। एवरी मिनट, एवरी सेकेंड वी आर फाइटिंग विद द सर्कमस्टांसेस। कोई भी लीडर आएगा उसके साथ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी त्रिपुरा में नतीजे आए हैं सामने, उन्होंने उस नतीजों ने बहुत कुछ स्पष्ट किया है, तो ऐसा नहीं है, उनको भी ध्यान में आएगा। अभी गोवा में गए हैं, वहाँ भी ध्यान में आएगा, होता है सब। लेकिन हम किसको रोकना थोड़ा ना चाहेंगे, आइए, ज़रूर आइए, आप भी लड़िए। और ऐसा होता है कि अगर कोई रीजनल मैच जीत ले तो सोचे कि अब हम नेशनल में पहुंच जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, सोच अच्छी है, आगे चलेंगे, देखेंगे क्या। एक दो सवाल ले लेते हैं। जी जी, अशोक जी पूछे। नड्डा साहब, अशोक जी का तो हमारे साथ विशेष प्रेम है। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि कुर्सी किसी की सलामत नहीं है, कभी भी कोई जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कहा आपने, हमने कहा कुर्सी से मत जुड़ो, हाँ, इश्यूज से जुड़ो। बिल्कुल, और यंगर उसको मौका देना है, तो 2024 तक, तो मतलब ये मेरा ऐसे बोल रहा हूँ मैं, आपकी सेंस मैंने पकड़ी जो कि 2024 तक तो बहुत से लोग रिटायर हो जाएंगे, फिर नई यंगर जनरेशन आएगी, चाहे वो सेंटर हो या कहीं भी हो। एक तो ये सवाल मेरा, एक्चुअली दूसरा है कि यूपी में योगी और उनके काम, जो भी नतीजे आए, जीते या हारे, जो भी हो, जो नतीजे आएंगे वो योगी और उनके काम पर आएंगे या मोदी और उनके काम पर आएंगे, किसके उस पर पड़ेंगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार पर आएंगे। प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और गोवा और पंजाब और सभी स्टेट्स को मिला है, वह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो डबल इंजन की सरकार में काम करता है। उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट योगी जी ने किया है, धरती पर किया है, इसलिए योगी जी के काम पर और मोदी जी के आशीर्वाद पर हम सरकार में आएंगे। योगी जी के काम पर और मोदी जी के आशीर्वाद पर। मोदी जी ने जो वहाँ उत्तर प्रदेश पे जो सारे फंड्स, स्कीम, सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग भी किया है और जो सपोर्ट दिया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है धरती पर मोदी जी ने, योगी जी ने। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अच्छे से लागू हुआ, प्रधानमंत्री ये जो लेबरर्स की अनएम्प्लॉयमेंट की थी अच्छे से लागू की है, अभी ये जो नेशनल हाईवेज बने उसको अच्छे से लागू किया है, उसी तरीके से गोरखपुर में एम्स बन रहा है, किस स्पीड पर बन रहा है, बन करके तैयार हो गया, ओपीडी चालू हो गई है, दो एक महीने के अंदर आईपीडी भी चालू हो जाएगी, एम्स का उद्घाटन हो जाएगा। तो आशीर्वाद तो मोदी जी का रहा, लेकिन उसको अक्षरशः इम्प्लीमेंट करने का काम योगी जी ने किया। एक सवाल, हाँ, चित्रा पूछे। नड्डा जी, आपसे मेरा सवाल है, आपने डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया, डबल इंजन की सरकार तो बिहार में भी है, 2005 से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, बीच के 6 महीने को छोड़ दें, क्या वजह है कि गरीबी के सूचकांक में वो सबसे ऊपर राज्य खड़ा है?
कहां पर कमी रह गई कि केंद्र की जो योजनाएं आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी ने लागू कर दिया, वो चीज़ें बिहार में उस तरह से क्यों नज़र नहीं आती हैं? देखिए, मैंने ये सूचकांक तो देखे नहीं हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बिहार के बारे में भी कहूँगा कि बिहार ने लालू रिजीम और उसके बाद नीतीश कुमार के रिजीम में ज़मीन आसमान का अंतर देखा है। बिहार इस परिस्थिति में आकर के खड़ा हुआ था कि वहाँ से उसको उठने में भी बहुत टाइम लगा है और पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट के बाद लगा है। आप सब लोग बिहार को जानते हैं, अंजना जी बहुत परिचित हैं, जब यूनाइटेड बिहार था तब उस समय आप वहाँ पढ़े लिखे और वहाँ से आगे बढ़े। नॉर्थ बिहार से, साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार जाने का मतलब होता था गया गया, दिन गया, हफ्ता गया। अभी बाढ़ है, इस रास्ता को पकड़ो, वाया बरौनी जाओ, यह करो वह करो। आज नॉर्थ बिहार साउथ बिहार इट इज़ अ मैटर ऑफ आवर्स। उसी तरीके से एजुकेशन में लीजिए, 1000 crores हैव बीन स्पेंट। ये एजुकेशन समाप्ति के ऊपर आ गया था, उसको रिवाइटलाइज करने का, और मैंने पहले भी कहा है, मेरे से श्वेता जी ने एक दिन पूछा था तो मैंने कहा था कि एजुकेशन एंड हेल्थ टेक मोर देन 10 years टू रीकिंडल इट, अब फिर से खड़े होने में टाइम लगता है, ये 2 दिन में नहीं होता है, जाता भी 2-3 सालों में है और फिर से डेवलप होने में 10 साल लगते हैं। स्टाफ, एजुकेशन, फैकल्टी, फैकल्टी का लेवल, हेल्थ में डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट, उनकी फैकल्टी को सीनियरिटी के साथ आगे बढ़ाना, इक्विपमेंट को लाना, इन सब चीज़ों को मैच कराते हुए अच्छा टाइम लगता है। लेकिन बिहार स्टिल जो जहाँ था वहाँ से बहुत तीव्र गति से आगे आया है। हाँ, परिस्थिति बिहार की ऐसी खड़ी हुई है कि अभी उसको डेवलप होने में टाइम लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन। छोड़िए अध्यक्ष जी इधर उधर की बातें, ये बताइए कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री चेहरा कब होगा बिहार का? आप लोग तो हर स्टेट में बड़ा भाई के रोल में रहते हैं ना। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार और विकास सदा करती रहती है और जो हमारे NDA के साथी हैं उनके साथ सामंजस्य करके हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए किसी को ओवरटेक करना, किसी को नीचे दिखाना, अब हमारी MLA की संख्या ज्यादा थी, आपने हमारे से उस समय भी पूछा, मैं यही बोल रही हूँ, बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी का आपने मुख्यमंत्री बनाया। हाँ, ठीक है, हम NDA के स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं और उस NDA के लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके हम काम में जुटे हैं। इसलिए मैंने कहा कुर्सी हमारा लक्ष्य नहीं है, बिहार की तस्वीर बदले ये हमारा लक्ष्य है। कुर्सी आपका लक्ष्य नहीं है? नहीं, कुर्सी माध्यम है, इट इज़ अ मीडियम ऑफ चेंज, लेकिन हम उसी को लेकर के अपना टारगेट लेकर के चले ऐसा नहीं है। लार्जर इंटरेस्ट में, NDA के इंटरेस्ट में हम सब लोग काम करें। 5 राज्य में से कितना जीतेंगे? UP का आपने कह दिया है, हमने रिकॉर्ड करके रख लिया 300+ सीटें। इलेक्शन के बाद इंटरव्यू में बिहार में भी मुझे रिकॉर्ड किया था। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हम जहाँ सरकार में हैं वहाँ हम सरकार बना रहे हैं, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है, दिन प्रतिदिन वातावरण अच्छा हो रहा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। 5 राज्यों में से कितनी मिलेंगे? बस ये आखिर 4 तो हम आ ही रहे हैं और 5वें में हमारा वातावरण अच्छा बन रहा है, हम जरूर आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसे खत्म हो बस उसके बाद चुनाव के बाद फिर से आपसे इंटरव्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका JP नड्डा जी, आज तक एजेंडा के इस मंच पर आने के लिए, इस गाला सेशन का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और एजेंडा आज तक के मंच पर आने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बहुत बेहतरीन ऑडियंस हमने यहाँ पर देखी, 2 दिन हमारे साथ थे और इस एजेंडा आज तक को सफल बनाने में आप सभी का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर से मैं अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करूंगी, प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर ईबिक्स कैश को प्रेजेंटेड बाय माचो इन, पावर्ड बाय डॉक्टर आर्थो, को पावर्ड बाय कैंपस शूज, स्टेट पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एसोसिएट स्पॉन्सर्स OLX ऑटोज और केसरी मरहम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।